सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ गाइस एक और नई वीडियो में, और लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और शॉर्ट ऑफ द वीक का रिव्यू। वैसे ये फ्री शॉर्ट का रिव्यू लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए, लेकिन ये कमाल का शॉर्ट होने वाला है। और मुझे काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि भाई 8 PM पे कोई अच्छा शॉट बताओ यहाँ पे गुड लेंथ और शॉर्ट पिच गेन के लिए। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट मैप में आ जाना है और डिफेंसिव बैट्समैन को सेलेक्ट कर लेना है। 8 PM का डायरेक्शन आप सभी को लेना है। लॉफ्ट पे क्लिक मार के फ्रंट फुट पे आपको 17 नंबर का शॉट देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आप लोग को सेव कर लेना। तो जी हाँ गाइस, ये वाला शॉट सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव बैट्समैन के पास है, तो इससे ही आप इस शॉट को खेल पाएंगे। अब यहां पे स्पिनर है, ऑफ स्पिनर, और पहली गेंद जो है दूसरा था यहां पे, और दूसरा गुड लेंथ के ऊपर आराम से कनेक्ट करता हुआ आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही बल्लेबाज है डिफेंसिव के ई स्पोर्ट्स के अंदर, तो नोबॉल यहाँ पे करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ, ताकि मेरे पास बाकी बॉलर के खिलाफ भी आपको शॉट खेल के दिखाने का मौका मिले। तो यहाँ से इस शॉट को खेलने के लिए गाइस गेंद के बस एक स्टेप, गेंद का जो टप्पा है ना उससे आपको एक स्टेप पीछे होना पड़ेगा गुड लेंथ के ऊपर गेंद हो तो खेलने के लिए। तो यहाँ पे देखो गाइस बड़े आराम से रन मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला शॉट है गाइस कैरम गेंद पे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेगा, चाहे कैरम गुड लेंथ पे हो, फुल लेंथ पे हो या यॉर्कर हो, कैरम कहीं से भी आपका कनेक्ट होने वाला है नहीं। तो अगर आपका गेसिंग नहीं बनता है तो यहाँ पर आप चाहो तो इस शॉट को रख सकते हो दूसरा के लिए, हर बार खेलो कैरम कनेक्ट करेगा नहीं। और यहाँ पे टॉप स्पिन ड्रिफ्टर आरम की बात करें तो तीनों ही गेंद को यहाँ पे ये शॉट आराम से कवर कर लेगा यहाँ पे, तो टॉप स्पिन आराम से कनेक्ट करेगा, आरम आराम से कनेक्ट कर देगा और ड्रिफ्टर भी आराम से कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे इस शॉट की खासियत है कि भाई ये शॉट यॉर्कर पे ना के बराबर ही कनेक्ट करेगा। जी हाँ, यॉर्कर पे मुश्किल से कभी कभार आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉट अभी तक मैं रिकमेंड करूँगा भाई गुड लेंथ के ऊपर ही आप शॉट को खेलना चाहो तो खेलो। अभी हम गाइस फुल लेंथ के ऊपर भी देखने वाले इस शॉट को कि ये शॉट फुल लेंथ पे किस तरीके से आपका वर्क करने वाला है। तो देखो यहाँ पे गेंद बाहर है स्टंप से, तो हम लोग जगह पे खड़े खड़े रहेंगे और यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको 4 रन। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा फुल लेंथ गेंद पे अगर इस शॉट को अगर आपको खेलना है तो कम से कम 2 स्टेप आप लोग गेंद और बल्लेबाज के बीच में गैप देना, तो ही आप इस शॉट को अच्छी तरीके से खेल पाएंगे और कनेक्ट करवा पाएंगे। तो 2 स्टेप का डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा और फुल लेंथ पे कैरम गेंद कनेक्ट नहीं करेगा, ये मैंने आपको पहले कह दिया था। तो यहाँ पे देखिए टॉप स्पिन गेंद है, 2 स्टेप का डिस्टेंस देंगे और देखिए इस शॉट का मिडल ऑफ द बैट का कनेक्शन बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे टाइमिंग होता ना तो भाई यहाँ पे 100% चौका मिल जाता। अब लेग स्पिनर है यहाँ पे, और पहली गेंद यहाँ पे देखो फ्लिपर वाली गेंद थी ये, 0 पेस गेंद फ्लिपर एक बार कनेक्ट कर देगा, लेकिन हर बार 0 पेस फ्लिपर गेंद भी आपका कनेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप इस शॉट के साथ लेग स्पिन खेल सकते हो, गुगली खेल सकते हो, टॉप स्पिन खेल सकते हो, ड्रिफ्टर खेल सकते हो, फ्लिपर गेंद कभी कभार कनेक्ट करेगा स्लो पेस के ऊपर, फुल पेस के साथ ड्रिफ्टर गेंद कनेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। और ये देखो इस बार बिल्कुल स्लो पेस के साथ ये फ्लिपर गेंद था तो कनेक्ट फिर भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे फ्लिपर गेंद भी कभी कभार ही कनेक्ट होगा। तो लेग स्पिनर के अगेंस्ट सिर्फ गुगली, टॉप स्पिन, ड्रिफ्टर आराम के लिए आप इस शॉट का यूज़ कर सकते हो। बाकी फुल लेंथ की अगर हम बात करें तो फुल लेंथ के ऊपर ही आपका यहाँ पे टॉप स्पिन कनेक्ट करेगा, और यहाँ पर देखो गुड लेंथ के ऊपर टॉप स्पिन गेंद और बड़े आराम से यहाँ पे गाइस कनेक्ट कर दिया है। तो बताना अभी तक स्पिनर के लिए ये शॉट आप सभी को कैसा लगा। यहाँ पे गेंद थोड़ी आगे की तरफ है, गूगली गेंद है और गूगली पे ही अपन 2 स्टेप का कम से कम डिस्टेंस बनाएंगे और यहाँ पे आपको आराम से चौके देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर टाइमिंग यहाँ पे अगर आप करोगे ना तो इसका जिस तरीके से मिडल ऑफ द बैट का कनेक्शन रेशियो, भाई आपको छक्का मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे पैट क्रिस वॉक्स गेंदबाजी कर रहे हैं, और इनका गेंद जो था ना यहाँ पे फुलर लेंथ था, वाइडर था और खरे खरे यहाँ से कनेक्ट कर दिया और बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएंगे। वार्ड यॉर्कर स्लोअर पेस आपका 100% कनेक्ट करेगा। जी हाँ गाइस, वार्ड यॉर्कर अगर सामने वाली टीम करे और स्लो गेंद करे तो भाई यहाँ पे ये शॉट आपके लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर स्ट्रेट गेंद हो, फुल पेस के साथ हो या फिर स्लो पेस के साथ हो, स्ट्रेट गेंद कहीं से भी कनेक्ट नहीं करेगा। चाहे आप 2 स्टेप से खेलो, 3 स्टेप से खेलो, 4 स्टेप से खेलो, कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन स्लोअर गेंद हो तो भाई 3 स्टेप से आराम से आपका ये शॉट आपको बाउंड्री देके जा सकता है, चाहे 4 मिले या 6 मिले। 6 लगाने के लिए भाई आपको मिडल ऑफ द बैट होना जरूरी है, नहीं तो वहाँ पर हो सकता है कि आप कभी कभार आउट भी हो सकते हो। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट गेंद है और यहाँ पर स्ट्रेट गेंद यॉर्कर कनेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो यहाँ पर शॉट कनेक्ट होने वाला है नहीं। 2 स्टेप से हम ट्राई करेंगे इस बार, और देखो भाई 2 स्टेप से ये शॉट कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अब फुलर लेन ट्राई करते हैं
और दोबारा से देखो गाइस, खरे खरे यहाँ पे खेलेंगे और रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको रन्स, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग मिस करते हो सर्कल में तो आउट होने के भी चांसेस है। लेकिन जितना मैं खेला हूँ इस शॉट को, रेयरली शॉट कीपर कभी कभार बैट्समैन जो है टाइमिंग मिस करता है, और इसका टाइमिंग भी गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है, नॉर्मल टाइमिंग का ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे टाइमिंग के अंदर। इस बार देखो गेंद थोड़ा सा ज़्यादा बाहर था, तो हम लोग बॉल के थोड़े करीब जाएंगे और इस बार मिडल ऑफ द बैट टाइमिंग ख़राब, नहीं तो 6 रन यहाँ पर देखने को मिल जाते। तो ये शॉट क्रिस ओक्स जैसे गेंदबाज की अगेंस्ट भी बहुत काम का शॉट है। अब यहाँ पे पैट कमिंग्स है, पूरी तरीके से वाइडर डालेंगे और हम लोग जाएंगे भाई 2 स्टेप आगे। गुड लेंथ की ऊपर गेंद थी, हल्की शॉट, और यहाँ पे देखो ये शॉट को भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस वाले लेंथ पे ये शॉट काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट हो चुका है। इस पर फुलर लेंथ गेंद है, हम लोग 1 स्टेप सिर्फ आगे जाएंगे और रिजल्ट के रूप में चौका है। और गाइस यहाँ देखो ये टाइमिंग परफेक्ट नहीं है, लेट वाला यहाँ पे जो येलो एरिया है ना वहाँ पे जाके शॉट लग रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे अपन लोग आउट नहीं हो पा रहे। और इस बार परफेक्ट टाइमिंग, फील्डर के ऊपर से चौका देखने को मिल जाएंगे। गुड लेंथ की ऊपर गेंद थी, तो ये शॉट गुड लेंथ और हल्की शॉर्ट पिच गेंद रहेंगे तो भी आपका कनेक्ट कर जाएगा। इस बार देखो यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद है, और इस बार देखो भाई बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हुआ, बहुत आला टाइमिंग के साथ यहाँ पे कनेक्ट हुआ। और साथ में देखो सामने गेंदबाजी कौन कर रहे हैं भाई, यहाँ पे पैट कमिंग्स गेंदबाजी कर रहे हैं जिनके पास बाउंस काफ़ी हाई है, तो अगर इनकी गेंद पे कनेक्ट कर देंगे तो भाई ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज के सामने जितना भी शॉर्ट पिच गेंद होगा, कटर स्विंग सबको कनेक्ट कर देगा। फुल लेंथ कीपर इन जैसे गेंदबाज के अगेंस्ट ये शॉट बहुत काम आएगा, जिनके पास काफ़ी अच्छी बाउंस मौजूद है उनके अगेंस्ट फुल लेंथ कीपर ये आराम से कनेक्ट करेगा 2 स्टेप। बाकी गाइस यार यहाँ पे आप लोग ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर के अगेंस्ट फुल लेंथ पे शॉट को ट्राई मत करना, क्योंकि उनकी गेंद नीचे रहेंगे तो यहाँ पे डॉट गेंद हो सकता है या बोल्ट भी होने के चांस आपके बन सकते हैं। उन जैसे गेंदबाज के अगेंस्ट शॉर्ट पिच और गुड लेंथ पे आप ट्राई करना। और ये वीडियो आप सभी को बढ़िया लगे तो यार वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पर कर दो। मैं बोलता हूँ नई वीडियो में, तब तक मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।